पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल एक में लगी आग अब बुझ चुकी है, लेकिन इसकी चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। आगे निर्माणाधीन इमारत में लगी, कहा जा रहा है कि जल्द ही इसमें वैक्सीन का निर्माण शुरू होने वाला था। इसमें जान गंवाने वाले मजदूर इसे सजाने और संवारने के काम में जुटे हुए थे। आज दोपहर 3 बजे सीएम उद्धव ठाकरे यहां आने वाले हैं और वे घटनास्थल का दौरा करेंगे। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार सुबह पुणे के हड़पसर इलाके में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग को लेकर चिंता जताते हुए कहा, सीरम इंस्टीट्यूट एक विश्व स्तर का संस्थान है, इसमें इस तरह की आग चिंताजनक है। अच्छी बात ये थी कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली जगह से 1.5 किलोमीटर दूर एक इमारत में ये आग लगी थी। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हड़पसर प्लांट में यह हादसा संस्थान के टर्मिनल एक पर स्थित M1 बिल्डिंग में हुआ था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा, जिस जगह कोरोना की वैक्सीन बन रही है वह जगह यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस इमारत में यह आग लगी है उसके एक हिस्से में BCG के टीके का निर्माण होता था, लेकिन वहाँ भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। देर रात डिप्टी CM अजित पवार घटनास्थल पहुँचे और उन्होंने भी आग लगे परिसर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट की भी जांच करेंगे और आगे की जांच होगी। फ्री पे थे, काम कर रहे थे इंस्टॉलेशन का, वो रोटी खा के हम लोग दोपहर के लंच किया था, 15 मिनट काम किए, 2:15 पे आग लगी सुनाई दिया। उसके बाद हम 6-8 आदमी थे, जिसमें 6 आदमी हम एक फ्लोर में, 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर थे, हम लोग एक फ्लोर पे कूदे जिसकी हाइट थी 8-8 फुट, 6 आदमी कूद गए, 2 आदमी जो हमारा सुपरवाइजर था खुद वो भी फंसा है, पता नहीं उसको किसी तरह से नहीं, किसी भी जो हमको सीरम ने माहिती दी उसके हिसाब से वैक्सीन का प्लांट या उसकी स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बनने की तैयारी थी, जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था, तो वहाँ पर उसका तैयारियाँ चली थी, प्रोजेक्ट्स था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी था, कुछ लाइटनिंग के भी इश्यूज थे, वो सब सारी चीज़ें नहीं, मतलब प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा था, जो फोर्थ फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, नहीं प्रोडक्शन करने की तैयारी हो रही थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आज जो फायर लगा था उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक दुर्घटना निश्चित स्वरूप से घटी है। इस फायर में आज 5 लोगों की जाने गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं, लेकिन इसमें एक बात का जिक्र जो हो रहा था दिन भर कि क्या कोविशील्ड का काम जहाँ चल रहा है, स्टोरेज कहाँ है, ये वही बिल्डिंग है क्या, तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और आज जो लोग गए हैं, जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर है, ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उसे ये लग रहा है। आगे की जो जानकारी है वो हमें जल्दी मिल सकती है। 6 फ्लोर पे, लेकिन वैसा नहीं, इनके वहाँ मैंने देखा तो 3 फ्लोर पे आग लगी, उसके बाद तुरंत एमानोरा, PMRDA और PMC ये सब के फायर ब्रिगेड आए, उनका भी फायर ब्रिगेड ये वहाँ था, तुरंत वहाँ आग बुझाने की कोशिश की। आज हमारे कलेक्टर थे, फिर हमारे पुलिस कमिश्नर थे और बाकी के भी लोग थे। अभी आग पूरी कंट्रोल में है, दोपहर के बाद आग कंट्रोल में आई, लेकिन उसके बाद वापस एक जगह पे वहाँ आग लगी, वो भी अभी कंट्रोल में आई है। अभी डरने की कोई बात नहीं, पहले हमें ऐसा बताया गया था कि वहाँ कोई भी दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में देखने को मिला कि 5 बॉडीज वहाँ मिली और पूरी जली हुई थी। वो 5 ही जेंट्स है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के नहीं, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर के वो 5 लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी आर एस न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।